गाइस वेलकम टू माय चैनल और आज मैं आप लोग को ले चलने वाली हूँ फ्लैशबैक में। जी हाँ, आज मैं आप लोग को ले चलने वाली हूँ फ्लैशबैक में, मतलब 90s के ज़माने में। हम 90s किड्स 90s के ज़माने में क्या किया करते थे, हमारा बचपन कैसे गुजरा, ये सारी बातें मैं आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। हो सकता है आपके बच्चे इस वक्त ये वीडियो देख रहे हो सकता है कुछ बड़े इस वक्त देख रहे हो सकता है 90s किड्स ही इस वक्त देख रहे हो, लेकिन ये वीडियो 90s किड्स के लिए ही नहीं है, ये हर कोई देख सकता है क्योंकि उन्हें इंस्पिरेशन भी मिल सकती है इस वीडियो से। ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को एंड तक। तो गाइज, अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मैं तो हिंदी मीडियम की स्टूडेंट हूँ और मैं अपने स्कूल में इसी तरह कक्षा नर्सरी में नीचे बैठ के ही पढ़ा करती थी, क्योंकि हमारे स्कूल में छोटे क्लास को इसी तरह नीचे बिठाया जाता था और मोस्टली 90s के ज़माने में छोटे बच्चों को नीचे बिठा कर ही पढ़ाया जाता था। और हम लोग आजकल के ज़माने में देखते हैं बच्चों को, नर्सरी के बच्चों को भी बुक दिया जाता है और पेंसिल दिया जाता है लिखने के लिए, लेकिन हमारे ज़माने में बुक और पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करते थे नर्सरी के वक्त। हमारे ज़माने में एक चीज़ का इस्तेमाल करते थे, अभी मैं बताती हूँ, इसका इस्तेमाल करते थे और इसे हम कहते थे पाटी। ये है पाटी और इसे आप लोग कहते हो स्लेट, स्लेट आई थिंक सो। और इस पर लिखा जाता था लेखन से, जिसे हम कहते थे पाटी की पेंसिल। ये है पाटी की पेंसिल और इसी से हम लोग लिखते थे। और इसकी भी एक खासियत है, पहली बात तो ये इतनी बारीक होती है, इससे तो लिखते लिखते ही टूट जाती है ये, और उसके बाद थोड़ा कुछ गिर जाता है नीचे और आधा तो पेट में चला जाता है, क्योंकि इसे खाया भी जाता था उस ज़माने में, इसे हम खाते भी थे बड़े चाव से। उस ज़माने की बात तो छोड़िए, मुझे अभी भी पसंद है इसे खाना, ये गलत बात है, आप मत खाइए। तो चलो शुरू करते हैं। टूट गई, मैंने कहा था ना इजीली टूट जाती थी ये। चलो कोई नहीं, मैं तो इसे यूज करूंगी फिर। अरे ये उल्टा दिख रहा है फ्रंट कैमरा है ना, इसलिए उल्टा दिख रहा है, अब आप समझ जाओगे। इसी तरह हम लोग सीखते थे और ये टीचर हमें इस तरह लिख के देती थी पाटी के ऊपर, ऐसे घोट के लिखा जाता था, इसे हम कहते थे घोटना। क्योंकि हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स थे तो मैं आज आपको उसी तरह से बताऊंगी कि जैसे हम पढ़े थे ये ऐसा, क्योंकि हमें तो लिखना आता नहीं था नर्सरी में। नर्सरी में लिखना क्या, पेंसिल भी पकड़ने नहीं आता था। आजकल के बच्चे बड़े स्मार्ट होते हैं और मम्मीज उससे भी ज़्यादा स्मार्ट होती है। मम्मीज तो बच्चों को स्कूल जाने से पहले ही सिखा देती है सब कुछ, उन्हें राइम्स भी पहले ही आ जाते हैं, नर्सरी राइम्स तो पूरे लर्न होके रहते हैं। लेकिन पहले के मम्मी पापा को इतना टाइम नहीं हुआ करता था और पहले इतना अवेयरनेस भी नहीं था। आजकल तो स्पेशली राइम्स के लिए बुक्स आती है प्रैक्टिस के लिए, लेटर राइटिंग की प्रैक्टिस के लिए। अभी देखिए इसी तरह इसको 2-3 बार घोटेंगे, 10 बार घोटेंगे घोटेंगे और कभी ना कभी तो सीख ही जाएंगे, और इस तरह प्रैक्टिस अच्छे से हो जाती थी हमारी। और दूसरी चीज़ दिखाती हूँ, इसे खा लूँ मैं? नहीं, बाद में खाऊंगी। और दोस्तों ये है चौक, इससे जुड़ी हुई भी काफ़ी स्टोरीज है। जब टीचर ब्लैक बोर्ड पर इससे लिखते थे, हमें अपने नोटबुक में उतार लेना पड़ता था, और जब पढ़ाते थे उस वक्त यदि किसी स्टूडेंट का ध्यान नहीं होता था, वो किसी बाजू वाले से बात करते हुए नज़र आते थे, तो टीचर ये चौक को इस तरह तोड़ के ये किया करते थे, चौक फेंक के मारा करते थे। सच सच बताना, आप लोगों ने भी चौक की मार खाई है ना? हाँ, नहीं बताओगे, नहीं बताओगे, चलो लेकिन हंस तो रहे हो, चलो कोई नहीं। और हाँ, इस चौक से जुड़ी और एक स्टोरी है। जब भी टीचर भूल जाते थे स्टाफ रूम से चौक लाना, तो किसी स्टूडेंट को उठा के बोल देते स्टाफ रूम से जाके चौक लेके आओ। अब वो स्टूडेंट की तो चांदी ही चांदी, स्टाफ रूम में जाओ खजाना मिल जाता था उसे, चौक का डिब्बा मिल जाता था, उसमें से 3-4 चौक तो अपने जेब में डाल लेता था, टीचर को 2-3 चौक ला के दे देता था। अब वो 3-4 चौक तो अपने घर लेके चला जाता था। ऐसे चौक चोरी तो आप लोगों ने भी अपने ज़माने में की होगी, यार मैंने तो की है, अब झूठ क्या बोले। चौक से जुड़ी और एक स्टोरी है, जब टीचर क्लासरूम में एंटर करने के रहते थे, अगर टीचर को आने में काफ़ी वक्त लग रहा होता था
तो स्टूडेंट्स अक्सर खाली पीली तो नहीं बैठते थे और वो ठहरे शैतान। तो क्या करते थे, चौक उठाते थे, बस ब्लैक बोर्ड पे कुछ ना कुछ कार्टून बनाते थे या किसी का नाम लिख देते थे, उसके सामने और कुछ लिख देते थे। ये तो शायद अब भी होता है, लेकिन ये उस वक्त भी होता था ये चीज़। अब बोलने का मतलब ये है, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो थ्रू इसलिए बोल रही हूँ ताकि जब वक्त बीत जाएगा, काफ़ी सालों बाद मैं पलट के देखूंगी कि मैं अपने बचपन में क्या किया करती थी। ये मेरे लिए नहीं बना रही हूँ, हो सकता है कि मेरे बच्चे देखेंगे इस वीडियो को, हो सकता है कि उनके बच्चे भी देखें इस वीडियो को, तो उन्हें पता तो चले कि हम लोग हमारे ज़माने में क्या किया करते थे। चलो नेक्स्ट, ये हो गई पढ़ाई की बातें, और पढ़ाई न करने पर टीचर हमें क्या सजा देती थी वो आपको। Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless. Anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open. I hate being broken. I feel like an. अभी तो मुझे मुर्गा बनना नहीं आएगा। उस टाइम पे स्लिम थे और मोटे लोग भी मुर्गा बन जाते थे। अभी मैं मुर्गा क्यों बनूं? अभी नहीं बनूंगी। लेकिन बन चुकी हूँ, मुर्गा भी बन चुकी हूँ मैं। उस टाइम पे हमारे पास जूते भी नहीं हुआ करते थे, ये तो सिर्फ 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन ही दिखते थे। इतने पैसे नहीं होते थे ना, तो उस टाइम पे सबके घरों में यही हाल होता था। सिर्फ अमीर घर के लोग ही जूते खरीदते थे, और हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली के लोग तो कभी चप्पल पहने हैं कभी नहीं पहने हैं, इसका भी ख्याल नहीं होता था फैमिली में, और वैसे ही स्कूल चले जाते थे। और हाँ, और जब भी 15 अगस्त या 26 जनवरी आती थी तो स्कूल में स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया जाता था बच्चों को कि कोई बाहर से गेस्ट आने वाले हैं तो तुम लोग को साफ़ सुथरा बन के आना है, अच्छे से नहा धो के अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहन के आना, एरियल यूज़ करना अपने कपड़ों पर, और अच्छा साफ धोना है, उसे प्रेस करना है और पहन के आना है, और शूज़ पहन के आना है, सॉक्स पहन के आना है। यूनिफॉर्म भी बस एक ही होता था, हम लोग के पास दो तीन यूनिफॉर्म तो होते नहीं थे आज के बच्चों की तरह। तो हम इतना गंदा करते थे, मैला कर देते थे, इतना खेलते थे, बहुत मस्ती करते थे। तो पूरा दिन भर मस्ती होने के बाद तो घर आने के बाद ये यूनिफॉर्म देखने लायक बिल्कुल नहीं रहता था, और नेक्स्ट डे फिर वही पहन के चले जाते थे। फिर उसके बाद वेंसडे आता था, वेंसडे के दिन बस एक दिन बुधवार के दिन छुट्टी मिल जाती थी ड्रेस से, और सिविल ड्रेस पहन लेते थे, और सिविल ड्रेस बोले तो हम लोग कलरफुल ड्रेस पहनते थे, तो उस दिन तो हमारे जलवे ही अलग होते थे। और अब मैं आपको स्पेशल चीज़ बताऊंगी कि रिसेस में हम लोग क्या करते थे।